ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन डिबेट शो सीधा सवाल, और सीधा सवाल में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अन्नदाताओं की बदहाली के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है और इसके उपाय क्या कुछ होंगे, कैसे अन्नदाताओं को बदहाल होने से रोका जाएगा, कैसे अन्नदाताओं को पलायन से रोका जाएगा, कैसे अन्नदाताओं को खेती छोड़ने से रोका जाएगा, कैसे उनके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो अन्नदाताओं की स्थिति को बेहतर कर पाएंगी। क्योंकि अगर हम देश की बात करें तो पूरे देश में आज 70% तक की आबादी हमारी कृषि पर निर्भर करती है, और आज अगर आंकड़ों की बात करें तो एक दिन में 2500 से ज्यादा किसान खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसे में हम इस सवाल का जवाब जानने के लिए बैठे हैं कि आखिरकार क्या कुछ होगा किसानों के लिए जो बेहतर किसानों के लिए बेहतर साबित होगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है समाजवादी पार्टी से लमसी गुर्जर है, अशोक बालियान किसान नेता मौजूद है, और राकेश शेट्टी साहब है भारतीय किसान यूनियन से राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपके पास आऊंगा मैं। अशोक बालियान साहब, आप ये बताइए, अगर हम भूजल की बात करें, भूजल खत्म होता जा रहा धीरे धीरे, भूजल की समस्या लगातार सामने आई है, और बुंदेलखंड भी सूखा झेलता है हर बार, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र भी सूखा झेलता है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो हमारे देश की एक तिहाई आबादी है वो सूखे का संकट हर साल झेलती है, हर साल झेलती है। देखिए नकुल जी, अगर हम अपने देश की बात करें, यहाँ आज भी केवल 30-40% भूमि ऐसी है जिस पर सिंचाई के बेहतर साधन हैं, बाकी 60-70% भूमि आज भी यहाँ वो है जो वर्षा पर निर्भर है। सारा हम बुंदेलखंड एरिया सोच लें चाहे, या महाराष्ट्र में विदर्भ का एरिया सोच लें, या देश के अन्य भागों में जहाँ बीच बीच में सूखा पड़ता रहता है, पश्चिम में भी कई बार सूखा आ चुका है, तो सरकार को इरिगेशन की एक लॉन्ग टर्म योजना बनानी पड़ेगी। अगर सरकार लॉन्ग टर्म योजना सिंचाई की नहीं बनाएगी तो जो पिछले 50-60 साल से हम देख रहे हैं कि 30-40% से ज़्यादा आज भी एग्रीकल्चर लैंड साधनों के द्वारा सिंचित नहीं हुई है, तो वो नए आगे भविष्य में होने की हमें इसके लिए सतत योजना बनानी पड़ेगी। कैनाल को बनाना पड़ेगा, जरूरत के आधार पर डैम बनाने पड़ेंगे। एक डैम बनता है, पता चला कि 20-20 साल तक सरकार उस पर निर्णय नहीं करती इस बात के लिए, और आज चाहे हम नर्मदा डैम की बात करें चाहे टिहरी डैम की बात करें, 20-20-30-30 साल तक हमारी योजना, अब नदियों को जोड़ने की बात चल रही थी नकुल जी, नदियों को जोड़ने के मामले में भी हमने जो हम 12-15 साल पहले चले थे, आज भी मैं समझता हूँ कि उस पर 5-10% काम हुआ होगा, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। जो है ये बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन जाँच के उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा था कि पहले इसकी जाँच कर लो फिर इसके बाद इस योजना को लगाओ, तो मैं समझता हूँ कि सरकार इसके प्रति भी उदासीन है और इस सरकार को इस पर ध्यान दे। नहीं, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो बीच की ब्यूरोक्रेसी है वो सब चीजों को खत्म कर रही है, योजनाएं अगर बन जाएंगी तो क्या लगता है कि उन योजनाओं को सही से अमली जमा पहना दिया जाएगा। ये तो नकुल जी हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देखिए, मैं बहुत सारे हम लोग मुल्कों में गए हैं, मैंने बहुत सारे देश की ब्यूरोक्रेसी को बहुत नजदीक से देखा है। जापान का अगर हम उदाहरण लें तो वहां एक अधिकारी काम करने के लिए समझता, अगर काम नहीं हुआ तो वो समझता है कि मैं इसके लिए अनक्वालिफाई हूँ। भारत में काम नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि मेरे पास पावर है, मजा आ गया। तो ये तब तक हमारी मानसिकता चेंज नहीं होगी, तब तक हम ऐसी सरकार की नीति कार्यक्रम नहीं बनाएंगे कि मजबूर हो जाए अधिकारी काम करने के लिए और उस योजना को लागू करने के लिए, तब तक हम अपने देश को एक विकसित देश से, विकासशील देश से विकसित देश नहीं। इलम सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा, एक किसान के तौर पर अगर आप अपने आप को रखें और देखें समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को देखने की कोशिश करें, कर्ज बहुत ज्यादा होता है, उससे परेशानी होती है, बारिश नहीं हो पाती उससे परेशानी होती है, क्या कुछ योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जो बनाई जाए, कि सिर्फ कहने का मतलब है कि जो भाकियों कह रही है योजना वो बनाई जाए, या फिर कुछ और योजनाएं आपकी तरफ से आपको लगता हो सकती है? उत्तर प्रदेश सरकार में सिंचाई मंत्री माने शिवपाल यादव जी थे, उनका ध्यान इस ओर गया कि प्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से पानी की वास्तव में दिक्कतें थी, उन्होंने बहुत ऐसी जो नहरें, मतलब पानी ट्रेल तक नहीं जाता था, किसान के खेत तक भी पानी नहीं जाता था, उन्होंने नहरों की खुदाई करवाई, और जहाँ उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पर नई नहरें खुदनी चाहिए, नई नहरें, तो उन्होंने नई नहरें भी खुदवाई। उन लोगों का बहुत शिवपाल जी, क्योंकि वे सिंचाई मंत्री थे तो मैंने बहुत नज़दीक से उनको देखा है कि वे किसान के बारे में बहुत बात किया करते थे, और उसी ओर उन्होंने ध्यान भी दिया। आपसे यहाँ पर समाजवादी पार्टी के गुण गा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में वाकई में शिवपाल यादव सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने काम किया होता, तो मैं पिछले 4 साल की आप बात छोड़ दीजिए, आखिरी साल में तो परिणाम देखने को मिले होते,
अगले 4 साल का तो कुछ दिखाई दिया होता, 5वें साल तो किसान ना परेशान होता। हम मान लेते चलिए बहुत सारे किसानों को अब राहत नहीं पहुंचा पाया, लेकिन कुछ किसानों को तो राहत आप पहुंचा सकते थे, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। राकेश जी आपके पास आऊंगा, आप ये बताइए, आपने देश के अलावा विदेशों में भी गए हैं, आपने कई देशों का भ्रमण किया है, भारतीय संगठन वहां भी काम करता है, क्या लगता है कौन सा ऐसा देश है जो बेहतर तरीके से किसानों के लिए योजनाएं बनाकर रखता है, वहां पर किसानों की बेहतरी के लिए सरकार अच्छे तरीके से काम कर रही है और हमें हिंदुस्तान को उससे फॉलो करना चाहिए? देखो, बाहर की जितनी भी कंट्रियां हैं वे अपने देश के हर नागरिक के अधिकारों की, उनकी जरूरत का ध्यान रखती है। यहाँ पे योजनाएं भी सरकार बनाती है, सरकार से अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए, देश में कहाँ पे किस चीज की जरूरत है वो डिपार्टमेंट उन योजनाओं को बनावे, सरकार उस पर फिर काम करें। ये एक बेहतर जरूरत की चीज यहाँ पे है। जैसे हम लगाएं कि कृषि मंत्रालय है, देश में कृषि मंत्रालय ही नहीं, ना देश में कृषि मंत्री है, देश में कृषि विभाग 18 डिपार्टमेंट में बटा हुआ है। जीएम टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड लेकर आ रहे, उसको साइंस डिपार्टमेंट है एक, वो उसको ऑथराइज कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका कृषि से क्या मतलब है? तो ये किसी विभाग को किसी से देकर किसी से परमिशन ले रहे हैं। ये 18 डिपार्टमेंट उसके हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं, वे एक जगह होए, उनकी एक कमेटी बने, वो कमेटी जो रिपोर्ट दे सरकारें उस पर काम करें। एग्रीकल्चर में यहाँ पे क्या है कि सरकार आई, उसका योजनाओं पर ध्यान नहीं है, उसकी अगले 5 साल में कैसे योजनाएं आएगी, उसकी योजनाएं सरकार बनाने पर रहती है किसी भी पार्टी की। देश में क्या विकास होगा उस पर योजनाएं नहीं है, कोई इस तरह का डिपार्टमेंट बने। हम जो बार बार कह रहे हैं कि 25 साल की नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में बने, उसके लिए अलग अधिकारी नियुक्त हो, कहाँ पे किस चीज की जरूरत है, वे अधिकारी की सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से, वे चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करें, उसके डायरेक्शन उसमें हो, वे योजनाएं बनाते रहें कि 25 साल में इस क्षेत्र में ये काम होना है, उसमें कुछ साइंटिस्ट हो, कुछ धरातल पर काम करने वाले लोग हों, कुछ जो दूसरे संगठनों के लोग होंगे, कुछ वे लोग उसमें होंगे, और वो योजनाएं बनाते चले जाएं कि कहाँ पे नहरों की जरूरत होगी, हमें 25 साल बाद में कितने खाद्यान्न की जरूरत हमको पड़ेगी, वो कार्य योजना बनती चले जाए। जिस भी पार्टी की सरकार आती रहेगी उस पर वो काम करती रहे, एक इस तरह का पूरा ढांचा बनाना पड़ेगा। राकेश जी आपने बिल्कुल सही सजेशन दिया, ऐसा करना चाहिए, बननी चाहिए पॉलिसीज। लेकिन अगर हम बात करें खबरों की, तो हमने देखा है कि कई कई ऐसे खाद्यान्न है, कोल्ड स्टोरेज है, उनमें गेहूं पड़ा पड़ा सड़ रहा है, पता नहीं है बारिश हो गई है, यूं ही पड़ा हुआ है, मतलब उसे सुरक्षित ही रखा जा पा रहा है। अगर हम बर्बाद होने की बात करें खाद्यान्न के, तो कितना बर्बाद हो रहा है हमारे देश में, ये आंकड़ों के तहत सामने आता है। अगर जो अभी उग रहा है हम उससे बचा नहीं पा रहे, उसे हम जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे, इसलिए शायद महंगाई भी बढ़ रही है, आटा भी महंगा हो रहा है, ये भी महंगा हो रहा है, वो भी महंगा हो रहा है, अब उसे सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, सही पॉलिसी नहीं है। यही तो है ना, जब तक हमारे इसमें ये नहीं होगा कि कितने लोग हैं, कितने क्षेत्रफल में हमको वेजिटेबल्स की जरूरत है, कितना हमको फ्रूट चाहिए, कितना हमको अन्न चाहिए, किसान मार्केट पे जिंदा है कि मार्केट का अगर रेट आलू का ठीक होगा किसान ने बोल दिया, हमको ये चाहिए कि कितना हमको आलू चाहिएगा, कितने क्षेत्रफल में हम आलू लगाएंगे। जो बाहर के कंट्रियां हैं वे किसान को बताते हैं कि आपको इतना ये खेती करनी है, अगर उसके पास में 1,000 एकड़ जमीन है तो उसका कहेंगे कि आपको 300 एकड़ में खेती करनी है, और जो 700 एकड़ आपकी बची उसका आप सीधा आप पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। उससे क्या बचत होती है, देश का डीजल बचता है, देश का पानी बचता है, उसकी फर्टिलाइज जमीन की बचती है, ये सारी चीजें बचती है। ये सरकारों की दूसरे कंट्रियों में ये पॉलिसियां, हमारे वहां पर वो एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है कि हमको कितना अनाज जरूरत है, अनाज चाहिए हमको, वो पॉलिसी हमारे यहाँ पे नहीं है। जब तक वो कमेटी नहीं बनेगी, हमको दालें बाहर से मंगानी, कृषि मंत्रालय से कोई नहीं बुझेगा, विदेश मंत्रालय दालों का आयात बाहर से कर लगा, हमारे देश का किसान मरेगा। यही चिन्नी पे हालात है कि चिन्नी से उन्होंने जो आयात शुल्क है वो हटा दिया, यहाँ पे डंप होगी चिन्नी, खाद्यान्न उस पर 300% तक हम ड्यूटी लगा सकते हैं जब हमारा किसान बचेगा, लेकिन ये पूरी व्यवस्था है नहीं। सरकारों को रहता है कि हमारे पास में फंड कैसे आएगा, हम बड़ी कंपनियों को कैसे यहाँ पर प्रमोट करेंगे, ये एक बड़ा है अधिकारी इनको पूर्ण रूप से विचलित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रधानमंत्री जी
ने दो बार गन्ने के उस पर बयान दिया, एक बार उन्होंने बयान दिया कि गन्ने का भुगतान 95% भुगतान होगा गन्ने का, जिसमें हालात ये थी कि दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पे बागपत जिले में मलकपुर एक शुगर फैक्ट्री थी, उसका भुगतान 9% था। तो ये अधिकारी गुमराह करते हैं, देश के प्रधानमंत्री से झूठ बुलवा दिया, देश के मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री से झूठ बुलवा दे, तो ब्यूरोक्रेसी पूर्ण रूप से हावी है सरकार। मतलब कह सकते हैं कि अगर सरकार अगर 100 रुपए भेज रही है जनता के लिए, तो वो ब्यूरोक्रेसी है जो बीच में 80 रुपए 90 रुपए खा जाती है और 10 रुपए जाकर जनता के पास पहुंचता है। इरिगेशन में क्या होगा, अभी आप मार्च में आप देख लेना, इरिगेशन में फर्जी चेक कटेंगे, यहाँ पे यही पीडब्ल्यूडी का हाल है, यही सब हाल है, सड़कों के जो मानक है उसका यही हाल है। जब तक क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगी देश में, 5 साल सबको योगदान देना पड़ेगा, और जो पॉलिसी है वो पूरी बनाकर सरकारों को दी है उस पर सरकार एक काम करे, उसमें जो और संगठन है जो आम जनमानस है वो भी उस पर काम करे, उन कार्य योजना पे श्रमदान से बहुत काम हो सकते हैं। ये कह सकते हैं कि जो तमाम राज्यों की सरकारें हैं, राज्य सरकारों को सबको मिलकर और केंद्र सरकार सबको मिलकर एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसमें किसानों के लिए काम किया जाए। अशोक बाले जी आपके पास आऊंगा, हम ग्लोबल वार्मिंग की मार झेल रहे हैं, पूरा विश्व झेल रहा है, समझ आ रहा है, भूजल में भी कमी आ रही है और अन्नदाताओं पर ऋण का भी बोझ आ रहा है। अभी केंद्र सरकार कहती है स्मार्ट सिटी उसे बनाने हैं, स्मार्ट सिटी बनाएगी तो क्या कुछ उसमें वो लेकर आएगी, उसने बताया भी है कि हाँ भैया सब कुछ इम्पोर्टेंट होगा, डिजिटल होगा, वाईफाई होगा, ये सब कुछ होगा, लेकिन क्या इसकी जगह पर स्मार्ट गांव नहीं बनाए जा सकते थे? अगर हम स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं तो क्या हम किसानों के साथ पक्षपात नहीं कर रहे हैं? निकुल जी, राकेश टिकैत, हम लोग 2004 में ब्राजील गए थे, हमने वहाँ देखा कि वहाँ स्मार्ट विलेज बनाए जा रहे हैं, जो गांव थे जैसे इंडिया में 6 लाख के लगभग गांव हैं, अगर भारत सरकार चाहे तो उनको स्मार्ट सिटी स्मार्ट विलेज बनाने के लिए उनकी संख्या को घटाकर 2 लाख कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल कुछ गाँव को उठाकर एक जगह ला सकती है, वहाँ सारी की सारी सुविधाएँ, एजुकेशन की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, मार्केट की सुविधाएं सब एक साथ दी जा सकती है, बेहतर सड़कें दी जा सकती हैं। तो उसके बाद हम उस टाइम पे डॉक्टर कमाल साहब देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी अपनी कि भारत आने वाले समय में कैसा होगा, विकास का कैसे होगा, क्योंकि बहुत बड़े वो एक महान वैज्ञानिक भी थे और एक महान राष्ट्रपति भी थे। तो जब टिकैत साहब के साथ हम लोगों की मुलाकात हुई तो हमने राष्ट्रपति से प्रस्ताव रखा, तो राष्ट्रपति हमें बहुत अच्छा लगा सुनकर कि वो खुद इस पर काम कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य था कि उस वक्त की केंद्र सरकार, उस वक्त की राज्य सरकारें इस योजना के प्रति उदासीन थी। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, देश में स्मार्ट सिटी के बजाय, क्योंकि जब देश में प्लान होगा तो एक दिन स्मार्ट सिटी भी, या तो 2 वर्ग बन जाएंगे, एक वर्ग बहुत हाई लेवल की रहन सहन में रहेगा और उसके चारों तरफ स्लम बस्ती बन जाएगी, एक वर्ग बहुत नीचे रहेगा। तो निश्चित तौर पर अगर हम स्मार्ट सिटी के बजाय स्मार्ट विलेज की योजना को लाएं तो ये देश बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है। हो सकता है कि एक बार मुद्रास्फीति की नौबत देश में आ जाए, लेकिन सरकार अगर चाहे तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके इस योजना पर एक नई क्रांति ला सकती है। लेकिन बिल्कुल इच्छा शक्ति बेहद जरूरी है। राम सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा, आपसे पूछूंगा मैं इस सवाल को कि हमारा देश कभी बेहाल हो चुका था, अन्न नहीं था, हम विदेशों से मंगाते थे, हरित क्रांति आई, हम लोग बदले, आज हम और देशों का भी पेट भरते हैं, लेकिन उसके बाद भी किसानों का पलायन लगातार जारी है। मैं आपसे 3 बार इसलिए कहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बुरी हालत है किसानों की, बहुत ज्यादा बुरी हालत है। समाजवादी पार्टी कहती है किसानों के बहुत कुछ किया, बीमा लेकर आई, ये लेकर आई, तो केंद्र सरकार भी लेकर आई, ये तो कांग्रेस सरकार भी लेकर आई। मैं समाजवादी पार्टी से ये बात पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ऐसा किसानों के लिए क्या लेकर आई या फिर लेकर आएगी जो किसानों के हितों में काम करेगा? क्या कभी आप लोगों ने आंदोलन किया जंतर मंतर पर जाकर किसानों के लिए? क्या कभी आपने सरकार को चिट्ठी लिखी किसानों की बदहाली के लिए? देखिए, किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश स्तर से जो भी योजनाएं बनाई किसान की खुशहाली के लिए, उसमें कोई कमी नहीं की है। किसान को बेहतर खाद दिया, पानी दिया, अन्न दिया, किसान को उन्होंने जो भी उनको आवश्यकता थी, चाहे समितियों के माध्यम से, उन्होंने समितियों के माध्यम से खाद बंटवाया। पूरे उत्तर प्रदेश 5 साल के अंदर किसान ने कहीं महसूस नहीं किया कि हमको खाद में कमी आई, बिजली में कमी आई। आप देख लीजिए, आपने कहा किसानों ने नहीं कहा, लेकिन अगर हम ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, किसानों तक तो नहीं पहुंचा,
नहीं लगता कि सरकार ने, चलिए आप ये बता दीजिए, सरकार ने कदम उठाया, सरकार बहुत सारा पैसा लेकर आई, किसानों ने खाद भी बंटवाया, बीज भी बंटवाया, लेकिन किसानों तक नहीं पहुंचा। नहीं, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ कि किसान तक नहीं पहुंचा, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ और समिति से भी जुड़ा रहता हूँ, समितियों से जुड़ा रहता हूँ। कोऑपरेटिव बैंक का मैं दो योजना कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर भी रहा हूँ। कोऑपरेटिव बैंक में किसान के माध्यम से, समिति के माध्यम से डायरेक्टर बनते हैं, तो उसको मुझे मालूम है। जो बहुत सी समितियाँ हैं, मैं कोऑपरेटिव बैंक में मैंने देखा, अगर किसान ने कोई बात कभी कही है, हमने जो महाप्रबंधक है कोऑपरेटिव बैंक उनसे कहा कि समितियों को कहीं खाद पहुँचाइए, तो हमने पूरे ज़िले के अंदर अपने ये महसूस किया। फिर राष्ट्र प्रदेश स्तर पर भी हमने देखा कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे, प्रदेश के नेता थे, वे खाद और पानी और बिजली पर पूरा ध्यान दिया। उसी के कारण आज देखिए किसान खुशहाल की तरफ बढ़ रहा है। 24 घंटे शहर में बिजली आ रही है, 18 घंटे किसान को बिजली मिल रही है, ये सब खुशहाली का ही एक आपके उम्मीद है कि हालात बदलेंगे और हालात सोच भी बदलेगी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं राजनीति का स्तर अलग होता जा रहा है। लोग विकास की बात कर रहे हैं, विकास के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और लोगों के हितों में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सूरत बदलेगी कब, इस बात का किसी को नहीं पता। सरकारें ईमानदार हो जाएंगी, लेकिन क्या ब्यूरोक्रेट्स ईमानदार हो जाएंगे, इसमें बड़ा एक सवाल उठ खड़ा होता है। दर्शकों की जानकारी के लिए अगर मैं बता देना चाहता हूं कि अगर 125 करोड़ हमारे देश की जनता है, तो 80 करोड़ के आसपास की जनता गाँव में रहती है, और अगर 100% में से 70% के आसपास लोग खेती पर निर्भर है और आज अन्नदाता ही आत्महत्या करने पर मजबूर है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए और इसका निष्कर्ष निकालने के लिए आज हम स्टूडियो में बैठे हैं, किसान नेता हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, एक फाइनली समाधान की तरफ अगर हम जाने की कोशिश करें, हम जिक्र कर चुके हैं कि भैया एक पॉलिसी सरकार, राज्य सरकार भी बनाए, सब तमाम सरकारें मिल जाए, एक कॉमन पॉलिसी, विदेशों की तर्ज पर सब्सिडी दी जाए, बहुत कुछ है। एक अगर हम पूरा निष्कर्ष तक पहुंचे, तो फिर क्या, कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो सरकार उठाकर लागू करे जिसमें आपका अनाज का भी मूल्य उसका बढ़ाया जाए, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे थे, आय वृद्धि किसानों की 19% बढ़ी है, लेकिन सबकी 120 150 200 और 250 तक पहुंच गई है। देखो, हम अगर कहें कि कीमतें हमारी बहुत स्पीड से बढ़ जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं, उससे कालाबाजारी ज्यादा आएगी। बहुत सा सिस्टम ये है कि डायरेक्ट सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट देश में लेकर आना पड़ेगा। जितनी सब्सिडी हम दूसरे चीजों पे इन पर देते हैं, जैसे फर्टिलाइजर की सब्सिडी है या बीज पंप सब्सिडी देते हैं, वो सीधा डायरेक्ट किसानों के खाते में दी जाए, उसके जोन बनाने पड़ेंगे। उसका पूरा जो 18 मिनिस्टरी होगी उनको एक जगह बनाना पड़ेगा, उनकी एक कमेटी बनेगी, वो पूरा डिसीजन वो कमेटियां लेगी। राजस्थान में हमारे पास में लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा है, उसमें ज्यादा सब्सिडी जाएगी, क्योंकि वहां के लोग अगर 10 साल में एक बार फसल एक बार पैदा करते हैं, बहुत क्षेत्र ऐसे हैं पहाड़ के, हमारे लोग प्लान कर रहे हैं, उसके लिए अलग पॉलिसी हमको बनानी पड़ेगी, उसके लिए क्षेत्रीय आधार पर आरक्षण देना पड़ेगा, वहां पे जो चाइना बॉर्डर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा लगता है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी हमको देनी पड़ेगी, के खेत से और उनकी मंडी तक हम उनको सब्सिडी देंगे जब पहाड़ के लोग वहां पर रुकेंगे, उनको हिल अलाउंस देना पड़ेगा। तो ये अलग अलग जगह की अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, क्लाइमेट जोन के हिसाब से हमको किस चीज में क्या धंधे लगेंगे। बुंदेलखंड में हमको पावर प्लांट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे जमीन ने उस हिसाब की है, वहां पे पानी। बिल्कुल, बुनियादी दिक्कत यही है कि आज हम किसानों को किसी भी तरीके से खुशहाल नहीं रख पा रहे हैं। जय जवान जय किसान का नारा आया था, हरित क्रांति भी देश में आई, लेकिन किसानों की सूरत नहीं बदली। पिछले अगर 70 सालों की बात करें तो अब तक तो किसानों को पूरे तरीके से संपन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की तरफ से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा आज हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, क्योंकि हमें निकालना था किसानों की समस्याओं का समाधान, और तमाम तरीके की बातें हमारे सामने आई हैं कि किसानों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाए, किसानों को सुविधाएं डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाई जाएं, तब शायद जाकर किसानों को कुछ फायदा हो पाएगा। बुंदेलखंड के जो हालात होते हैं, सूखे के हालात होते हैं, उनके लिए एक योजना बनाई जाए, क्योंकि हर साल हम देखते हैं, हर साल सूखे का प्रकोप एक तिहाई हिंदुस्तान का झेलता है, उससे कैसे निपटा जाए, इन तमाम मुद्दों पर आज हमने बात करने की कोशिश की, और उम्मीद है सरकार इन तमाम मुद्दों पर ध्यान देगी और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए एक प्रभावी कदम उठाएगी। आज जो सीधा सवाल में मेरे साथ इतना ही, देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार टुडे। नमस्कार।